की वजह से एस ओ पी एस का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इनडोर सिटिंग तो बंद है, तो हम चलते हैं रूफ़ टॉप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना रियाज और आप देख रहे हैं सोनिक पीके टीवी एंड अदर डे एंड अदर वीडियो। सो आज हम आए हुए हैं चर्सी टिक्का पेशावर टाउन रूफ़ टॉप। तो यहाँ का मैंने सुना था खाना बहुत ज़्यादा लजीज है, जिसमें से आज मैंने ऑर्डर करवाया है चटनी कबाब, गुब्बा कढ़ाई, काफी पुलाव। तो देखते हैं कि इतनी लज्जत है उसमें, तो चलते हैं ऊपर और चेक करते हैं आज का हमारा मेन्यू। तो आए चलते हैं मैनेजर से बात करते हैं चर्सी टिक्का के। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है आपसे? सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके रेस्टोरेंट की खास चीज़ें जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लाइक करते हों, जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा खाई जाती हों, और आप अपने रेस्टोरेंट को कैसे लेके चल रहे हैं, यहाँ पे सफाई का कैसे ख्याल रखते हैं, चीज़ें कैसे कटती हैं, मसाला क्या कौन सा आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ बताएंगे मुझे? मुझे टिक्का भी है, रेड टिक्का भी है खास, और चटनी कबाब भी है, पेशावरी टाउन चला चटनी कबाब भी है, और काबिल कड़ावा पानी भी है, ये सारा स्पेशल खाना है। तो जिस तरह बात मिली है कि सफाई को मुझे ज़्यादा ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा खेल रखने से मुझे सफाई को ज़्यादा मसाला पर मुझे कुछ मसाला नहीं है, मुझे अदरक हरी मिर्च और काली मिर्च, ये शिमली खाना है, इसके कोई मसाला मुझे इस्तेमाल नहीं है। इसका खास एक दुम्बा साबे दुम्बा खास मसाला है, वो शिमली मसाला है, उसका खास कोई शवरी लवरी मसाला उसका साथ इस्तेमाल नहीं है। थैंक यू सो मच। So, खाना काफी मजे का था जो हमने आज यहाँ पे खाया है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी यहाँ आके ये खाना जरूर टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक वीडियो के साथ पाकिस्तानी फूडीज़ पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।